इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। संयोग की बात है कि जो डिक्लेयर किया गया था कि आज से हम 24 तीर्थंकरों की आराधना शुरू करेंगे और गुरु पूर्णिमा के दिन जब यहां पर आए हैं तो सबसे पहला गुरु कौन है? सबसे पहला विश्व का कोई गुरु है अवसर पे निकाल में तो ऋषभ देव, चाहे राजनीति का हो, चाहे समाज शास्त्र का हो, चाहे तुम्हारा परिवार का हो, चाहे तुम्हारे रिश्ते का हो, चाहे खेती का हो, चाहे युद्ध का हो, असी मसी और कसी ही नहीं, नृत्य गुरु पहला कोई है। नाचना सबसे पहले किसी ने सिखाया? ऋषभदेव ने। घर बनाना सबसे पहले किसने सिखाया? ऋषभदेव ने। फेरे लेने किसने सिखाए? ऋषभदेव ने। मां बाप बनना किसने सिखाया? ऋषभदेव ने। उसके पहले नर्मदा थे। कौन थे? नर्मदा और मां बाप में जमीन आसमान का अंतर है। मां बनना किसी ने सिखाया? पिता बनना किसी ने सिखाया? भाई बनना किसी ने सिखाया? बहन बनना किसी ने सिखाया? राजा बनना किसी ने सिखाया? नेता बनना किसी ने सिखाया? सैनिक बनना किसी ने सिखाया? घोड़े पर सवार होना किसी ने सिखाया? 64 और 72 कलाएं, इन सारे कलाओं को सबसे पहले सिखाने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है, जिस ऋषभदेव को इस्लामी परंपरा में रसूल कहते हैं, वहीं से चला हो शब्द है। जिस ऋषभदेव को एकनाथी भागवत में ऋषभ ही कहते हैं, इस देश का नाम जो भरत है, भारत देश है, वो किसके नाम पर तय हुआ है? तो भगवान ऋषभदेव के बेटे के नाम पर तय हुआ है। दुष्यंत पुत्र के आधार पर देश का नाम भारत नहीं हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला तो बहुत बाद में हुई है। एकनाथी भागवत की बात कर रहा हूं, मैं कोई जैन पुराण की बात नहीं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में जिक्र है उस आदि योगेश्वर का कि जिसके बेटे के आधार पर इस अजनाब वर्ष, भारत वर्ष के पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाब वर्ष। और अजनाब वर्ष को निकाल छोड़ करके इस देश का नाम भारत हुआ तो किसके आधार पर? कि पहला चक्रवर्ती कौन है उसके आधार पर इस भारत नाम हुआ है। तो पहला गुरु कोई है तो कौन है? जिस प्रभु महावीर के शासन में हम जीते हैं उस प्रभु महावीर में तीर्थंकर का बीज बोने वाला कोई है? ऋषभदेव। ऐसा बीज बोया, ऐसा बीज बोया, ऐसा बीज बोया कि उसके बाद भगवान महावीर की चेतना 2 बार नारकी में भी गई तो भी बीज समाप्त नहीं हुआ। कल्पना करो कि तीर्थंकर बीज कैसा बोते हैं।
ऋषभदेव के सानिध्य में तीर्थंकर बनने का बीज बोने के बाद भगवान महावीर की चेतना 55 करोड़ 55 सागरों में। ओके भैया भैया 33 सागरूपम चौथी नारकी के, 22 सागरूपम चौथी, 33 सागरूपम सातवीं नारकी के, 22 सागरूपम चौथी नारकी के, ऐसे 55 सागरूपम का आयुष्य नरक में बिताने के बाद भी जो बीज नरक की आग भी नहीं जला सकी, ऐसे बीज बोने वाले कोई है तो ऋषभदेव। इस अवसर्पिणी काल में किसी भी क्षेत्र का पहला पन्ना किसी के नाम से है, ऋषभदेव। नाथ परंपरा में जिसको आगे नाथ कहते हैं, मैंने 11 के दिन बात करते हुए आपको कहा था संत ज्ञानेश्वर की, संत ज्ञानेश्वर भी कौन सी परंपरा के हैं, नाथ परंपरा के। और नाथ परंपरा का पहला गुरु कोई है तो आदिनाथ, आदि पुरुष, आदिपति, आदि पुत्र, आदि राजा, जिसके बिना अवसर्पिणी काल में इंसानियत का कोई पन्ना शुरू नहीं होता है, वो पहला गुरु कौन है, आदिनाथ। जिसको कोई शिव कहता है, कैलाश के शिखर पर, बुरा नहीं मानना किसी ने, ये हमारी नादानी, ये हमारी ना समझी कि कैलाश के शिखर पर केदारनाथ के वहां पर सबसे पहले किसी का योग पीठ है तो ऋषभदेव का। मैंने इसलिए तीर्थंकर की बात आपके साथ शुरू करने का तय किया कि बहुत सारी बातें वेदों में जिसका जिक्र है, वात रचना मुनय, जिसके जटा और लंबी तपस्या का जिक्र है, हिंदू चोटी रखते हैं, हिंदू चोटी रखते हैं, उसकी शुरुआत कहां से है, कम से कम उम्मीद करो कि आगे जो बैठे हैं जो हर साल चतुर्मास अटेंड करते हैं उनसे तो उम्मीद करो कि चोटी की शुरुआत किससे है, ऋषभदेव से। तो दीक्षा लेते समय तीर्थंकर पंच मुष्टि लोच करते हैं, पूरा मुंडन करते हैं, जैसे ऋषभदेव ने दीक्षा के समय में चार मुष्टि लोच किया, इंद्र ने निवेदन किया कि प्रभु इसको रेन दीजिए, इसको रेन दीजिए, ये निशानी बनेगी, ये परंपरा बनेगी कि जो जो आपको फॉलो करता है वो चोटी रखेगा। बाकी किसी तीर्थंकर को चोटी नहीं होती, चोटी किसकी होती केवल, और इसलिए हिंदू की पहचान क्या है, चोटी। हिंदू के किसी देवी देवता को चोटी नहीं है, सारे की जटाएं, चोटी धारी कोई देव है तो कौन है, ऋषभदेव है। चोटी इसका प्रमाण है कि कैसे एक कैरेक्टर, कैसे एक लिगेंसी, कैसे एक परंपरा निर्माण हुई। सौभाग्य हमारा उस विरासत से हम अनचाहे जुड़ गए,
दुर्भाग्य हमारा कि मिली हुई विरासत को हमने समझने का प्रयास नहीं किया। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले सकल मानव जाति ने, किसने, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे राजनीति करने वाले हो, चाहे उद्योग नीति करने वाले हो, चाहे खेती करने वाले हो, चाहे बर्तन बनाने वाले हो, चाहे झाड़ू साफ करने वाले हो, चाहे घर साफ करने वाले हो, चाहे कपड़े बुनने वाले हो, चाहे रसोई करने वाले हो, इन सबको सबसे पहले किसी को वंदन करना चाहिए कि सब किसने सबसे पहले सिखाया, ये बर्तन बनाना, ये रसोई बनाना, दुनिया की 64 और 72 कलाओं का पहला गुरु कोई है। तो ऋषभ देव है, क्या सौभाग्य अपना, क्या परम सौभाग्य है। गणित किसी ने सिखाया तो ऋषभ देव, लिखना किसने सिखाया तो, एक भी जीवन का पन्ना ऐसा नहीं कि जो ऋषभ देव के बिना शुरू हुआ हो। और ऐसे ऋषभ देव जिस समय किसी को कोई पता ही नहीं था, इनोसेंट लोग, भूले भाले लोग आराम से जी रहे थे, निसर्ग जी, जो मिल गया वो खा लिया, जैसे रख लिया निसर्ग ने रे लिया। लेकिन एक सयानी के मन में लोभ का जागरण हुआ, किसका जागरण हुआ, किसका जागरण हुआ, और उसने सोचा कि इस पेड़ को जो फल लगे हुए हैं, ये 10 फल लगे हुए हैं, मैं आज एक ले लूंगा, दूसरे आकर के 9 निकाल लेंगे, मुझे कल नहीं मिलेंगे, तो मैं 10 के 10 फल उतार लेता हूं। और जैसे 10 फल उसने उतार लिए तो 9 जने भूखे रह गए। संग्रह शुरू हुआ और संग्रह के साथ संघर्ष शुरू हुआ, संग्रह में से संघर्ष का जन्म हुआ, और संघर्ष का जन्म हुआ तो हर व्यक्ति वो प्रयास करने लगा, और उस प्रयास में कच्चे फल भी तोड़े जाने लगे। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garbh Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi.
We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम बेहतर दुनिया, आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास दो ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें, हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल, आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794, वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।